नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ, और बड़ी खबर आ रही है। टॉप बिजनेसमैन गौतम अडानी ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें, उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर 60,000 करोड़ रुपए दान करने का ऐलान किया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये जो रकम है वो बड़े पैमाने पर उनके लिए मदद करेगी, जिनका की हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट को ख्याल रखते हुए उन बच्चों के लिए बहुत ही बड़े मदद का ये पैसा जो है उसमें लगाया जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस कदम की सराहना जहाँ बहुत कर रहे हैं गौतम अडानी की, तो वहीं फेमस बिजनेसमैन और विप्रो लिमिटेड के फाउंडर अजीम प्रेम जी ने भी इस कदम की तारीफ की है, और उन्होंने कहा है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे और इसी तरीके से इस उद्देश्य को आगे बढ़ाएंगे, और आपकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से मिलती जुलती है। आपको बता दें कि जहां गौतम अडानी का आज 60वां जन्मदिन है, तो इसी के साथ ही उनके पिता का आज 100वां जन्मदिन है, और इस अवसर पर उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए दान देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जहां हमेशा देखा जाता है कि राहुल गांधी से लेकर के तमाम विपक्षी दल जो हैं वो हमेशा हमलावर रहते हैं बिजनेसमैन को लेकर के, चाहे फिर वो मुकेश अंबानी हो या फिर गौतम अडानी हो, इनको लेकर के वो हमेशा निशाना साधते हैं, और वो ये कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो हमेशा बिजनेसमैन के लिए ही सोचता है। लेकिन अगर हम बिजनेसमैन की बात करें, गौतम अडानी की बात करें, तो वो भी देश को उतना कुछ ही देते हैं। बात चाहे रतन टाटा की भी करें, तो उन्होंने भी हमेशा देश के लिए सोचा है और समय समय पर देश की मदद भी की है, और आज जितना बिजनेसमैन के लिस्ट में उनका नाम लिया जाता है, फेमस बिजनेसमैन के लिस्ट में उनका नाम शुमार है, तो वही देश के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा काम और योगदान देने के लिए भी बिजनेसमैन को याद किया जाता है। आपको बता दें कि गौतम अडानी को लेकर के खासकर राहुल गांधी हमलावर रहते हैं और समय समय पर उनकी आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि गौतम अडानी या फिर कोई भी बिजनेसमैन जो है वो सिर्फ मोदी गवर्नमेंट में ही इतनी बड़ी रकम दान दे रहा हो या फिर देश के लिए इस तरीके से मदद कर रहा हो। इससे पहले भी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब भी जो बिजनेसमैन हुआ करते थे इसी तरीके से मोटी रकम दे करके जो लोग हैं उनकी मदद किया करते थे। साथ ही जो ये पैसे हैं वो फाउंडेशंस को डोनेट करते थे, चैरिटी को डोनेट करते थे, जिससे कि जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन किया जा सके, उनको स्किल डेवलपमेंट में अच्छा बनाया जा सके, इसी के साथ ही हेल्थ में भी अच्छा हो सके, भारत का विकास हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके का डोनेशन वो हर बार चैरिटी को करते हुए रहते हैं। इसके बावजूद विपक्षी दल और राहुल गांधी समय समय पर इस तरीके से निशाना साधते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें, हाल ही में देखा गया था कि यूपी इन्वेस्टर्स समिट हुआ था, जिसमें कि गौतम अडानी ने सबसे बड़ी रकम इन्वेस्ट की थी यूपी में। आपको बता दें, उन्होंने तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए दान किया था, और ये कहा था कि ये युवाओं के भविष्य के लिए मेरा डोनेशन है। इसी के साथ ही उन युवाओं के लिए है जिन्होंने अच्छे भविष्य का सपना देखा है और उनको रोजगार देने में ये मदद करेगा। आपको बता दें, इसी के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की भी तारीफ की थी और उनके विजन की भी सराहना की थी। आपको बता दें, आज के दौर में दिग्गज कारोबारी और देश के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी का शुक्रवार यानी 24 जून को 60वां जन्मदिन है। साथ ही ये साल गौतम अडानी के पिता शांतिलाल अडानी की 100वीं जयंती का साल भी है। अडानी और उनके परिवार ने इस मौके पर कई सामाजिक कार्यों के लिए 60,000 करोड़ रुपए का दान देने का फैसला किया है। अडानी परिवार का ये दान हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है। अडानी का मानना है कि इन क्षेत्र पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उनका मानना है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कमी आत्मनिर्भर भारत के लिए एक रुकावट होगी। आपको बता दें, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि देश भर में हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने में योगदान करने का मौका मिलने पर मैं खुशी महसूस कर रहा हूं। मेरा 60वां जन्मदिन होने के अलावा ये साल हमारे पिता शांतिलाल अडानी की 100वीं जयंती का भी है। बड़े प्रोजेक्ट प्लानिंग और उन्हें धरातल पर उतारने में हमारा अनुभव अडानी फाउंडेशन द्वारा किए गए कार्यों से सीख हमें इस कार्यक्रमों में विशेष रूप से तेजी लाने में मदद करेगी। आपको बता दें, इस मौके पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के चेयरमैन व विप्रो लिमिटेड के फाउंडर
चेयरमैन अजीम प्रेम जी ने कहा कि गौतम अडानी और उनके परिवार की सामाजिक परोपकार को लेकर प्रतिबद्धता एक उदाहरण स्थापित करती है। हम सभी महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को अपनाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हमें उनके अंतिम वर्षों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। साथ ही प्रेम जी ने आगे ये भी कहा कि हमारे देश की चुनौतियाँ और संभावनाओं की मांग है कि हम धन क्षेत्र धर्म जाति आदि में बंटने की बजाय एक साथ मिलकर काम करें। मैं इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रयास में गौतम अडानी और उनके फाउंडेशन को शुभकामनाएं देता हूं। आपको बता दें कि अडानी फाउंडेशन कई वर्षों से स्थायी आजीविका, स्वास्थ्य, पोषण, सभी के लिए शिक्षा, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहा है। ये फाउंडेशन 16 राज्यों के 2409 गांवों में 37 लाख लोगों को अपने सेवाओं के माध्यम से फायदा पहुंचा रहा है। इसी के साथ ही बता दें, अहमदाबाद के एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए गौतम अडानी का कारोबार आज दुनिया भर के कई देशों में फैला हुआ है। वे भारत के टॉप बिजनेसमैन में शुमार हैं और उनका नाम अंबानी के साथ लिया जाता है। अडानी के बिजनेस की बात करें तो उनकी कंपनियां कोयला, पावर, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, एग्रो प्रोडक्ट्स, ऑयल और गैस जैसे क्षेत्रों में काम कर रही है। इसी के साथ ही बता दें कि गौतम अडानी का फाउंडेशन देश के 16 राज्यों में है। इन जगहों पर अडानी फाउंडेशन 2400 से भी अधिक गांवों की करीब 40 लाख से भी अधिक आबादी को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा देता है, साथ ही जन स्वास्थ्य, स्वरोजगार और कुपोषण उन्मूलन का भी काम करता है। इसी के साथ ही अडानी फाउंडेशन स्किल डेवलपमेंट के तहत 11 राज्यों के 1 लाख लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग भी देता है। आपको बता दें, अपने 60वें जन्मदिन पर अडानी फाउंडेशन ने सामाजिक कार्यों के लिए 60,000 करोड़ रुपए का दान देने का फैसला किया है। वहीं आपको बता दें, टाटा ग्रुप और रिलायंस के बाद अडानी ग्रुप 100 अरब डॉलर से अधिक का मार्केट कैप हासिल करने वाला देश का तीसरा कारोबारी घराना है। अडानी का कारोबार माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स और डिफेंस सेक्टर तक फैला हुआ है। इस वक्त अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट है, जो निवेशकों की खूब कमाई करा रहा है। इन्हीं की बदौलत गौतम अडानी आज मुकेश अंबानी को भी पछाड़ते हुए देश के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ही जहां एक बार गौतम अडानी ने कहा था कि उन्हें किडनैप करने की कोशिश की गई थी, इसी के अलावा उन्होंने मौत को भी 15 फीट करीब से देखा था जब वो ताज होटल में डिनर करने गए थे और उस वक्त जो हमला किया गया था आतंकवादियों के द्वारा, यानी कि 26/11 का वो दिन जिस दिन गौतम अडानी ताज होटल में मौजूद थे और उस दिन उस होटल में हमला किया गया था। साथ ही उन्होंने बताया कि वो बेसमेंट में छुप गए थे, उसी के साथ ही 100 से भी ज्यादा लोग उनके साथ थे और इस तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाई थी। तो इस तरीके के भी किस्से गौतम अडानी की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से गौतम अडानी ने समय समय पर देश के लिए रुपए दान दिए हैं और संस्था को पैसे दान दिए हैं, चैरिटी को दान दिए हैं, इसी के अलावा जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उस विजन को भी कहीं ना कहीं साकार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी जो चैरिटी को पैसे दिए हैं, दान किए हैं 60,000 करोड़ रुपए, तो उनका भी यही कहना है कि ये पैसे जो हैं वो स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन के लिए जाने हैं। साथ ही आपको बता दें कि उनकी तमाम संस्थाएं चलती हैं जो कि बच्चों को एजुकेटेड करती है, साथ ही उनके स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देती है, जिससे कि इस देश का जो युवा है वो मजबूत हो सके और उसका भविष्य संवर सके। इसी के साथ ही देखा गया कि जिस तरीके से यूपी इन्वेस्टर्स समिट में भी उन्होंने 70,000 से अधिक की संपत्ति का जो इन्वेस्ट है वो किया था, ताकि वहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इसी के साथ ही हम बात करें अगर भारत के विभिन्न बिजनेसमैन की, तो वो समय समय पर राष्ट्र के विकास के लिए इस तरीके से डोनेशन देते आए हैं, चाहे फिर वो रतन टाटा हो, मुकेश अंबानी हो या फिर गौतम अडानी जैसे बड़े बिजनेसमैन। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।